अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अलातुल मुत्तकीन व सलातु व सलाम अला सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन। अज़ीज़ तलबा इकराम, इस्लामियात जमात दहाम, लेक्चर नंबर 24, अल-जुज़ुर रابع व सूरह मुत्तलिक। हमारे आज के लेक्चर का उनवान है सब्र व शुक्र और हमारी इंफरादी व इज्तिमाई जिंदगी। सब्र शुक्र इंफिरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी। इंफिरादी जिंदगी कहते हैं जो मेरी अकेले मेरी जिंदगी है, ये इंफिरादी जिंदगी है। और इज्तिमाई जिंदगी हम तमाम पाकिस्तानियों की जो जिंदगी है ये इज्तिमाई जिंदगी है। हम तमाम जो एक कस्बे में रह रहे हैं, एक मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारी इज्तिमाई जिंदगी होती है। तो सब्र शुक्र और हमारी इंफिरादी इज्तिमाई जिंदगी। सबसे पहले हम देखते हैं सब्र। सब्र का लुगवी और इस्तिलाही माना क्या है? सब्र लुगत में कहते हैं रुक जाने को, बर्दाश्त करने को, हौसला रखने को। और इस्तिलाह के अंदर सब्र का मतलब यह है कि इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आए, इंसान के ऊपर कोई हादसा आ जाए, इंसान के साथ कोई मिस भी है हो जाए, इंसान को कोई सदमा पहुंचे, तो वह जज्बात की लहर में बहना चाहिए बल्कि अपने होश हवास को कायम रखते हुए उस मुसीबत को, उस तकलीफ को फेस करना चाहिए और उसके अंदर एक पूरी प्लानिंग के साथ अपने आप को उस मरहले से गुजार के आगे निकल जाए। इसे सब्र कहते हैं। एक शख्स पर, एक शख्स का वालिद फौत हो गया, जो ही उसको पता चला है कि मेरा वालिद फौत हो गया, तो उसके एक सेकंड के हजारों हिस्से में उसकी सारी मुस्तकबिल की जिंदगी उसके सामने घूम गई। क्या वो मुसीबतों, पहाड़ों, मुसीबतों और तकलीफों के पहाड़ों के नीचे में आ गया? तो अब इसी दौरान वो अपने आप को बांधना, पीटना शुरू करता है, कहीं से छलांगे लगाता है और रोना धोना और बहुत ही ज्यादा मातम करना शुरू कर देता है। तो ये सब्र नहीं है। हाँ, इसी दौरान अगर उसको शदीद तकलीफ पहुंचती है, आंखों में ऐसे आंसू जारी हो जाते हैं, दिल इंतहाई मरहूम हो जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक हुक्म था, मुझे इस मुसीबत से कैसे निकलना है, इसके लिए मैंने अब प्लानिंग कर ली। और उस प्लानिंग में सबसे पहली चीज दुआ, या अल्लाह इस मुसीबत को मुझे बर्दाश्त करने की कोशिश दे, होश और आवाज को कायम रखना है। ये सब्र का वजह है। सब्र का माना है बर्दाश्त करना, हौसला रखना, जज्बात के दायरे में बह जाने से रुक जाना, अपने होश और आवाज को कायम रखते हुए मुसीबत को बर्दाश्त करना, ये सब्र है। सब्र की अक्सां, सब्र की तीन किस्में हैं। पहली किस्म है इंसान पे मुसीबत आए, तकलीफ आए, हादसा आए, नुकसान आए, तो इंसान जज्बात के धारे में बह न जाए, होश और आवाज को खो न जाए, बल्कि अपने होश और आवाज को कायम रखते हुए एक मंसूबे के साथ बर्दाश्त और हिम्मत के साथ उस मंजिल से गुजर जाए। ये सब्र का पहला मतलब है, यह सब्र की पहली किस्म है। सब्र की दूसरी किस्म है इस्तिकामत अख्तियार करना। एक बंदा नेकी का काम करता है, एक दिन करता है, दूसरे दिन करता है, तीसरे दिन करता है, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तो ये नेकी पे सब्र है। जाहिर नेकी करना एक मुशक्कत का काम तो है, उस मुशक्कत के काम के ऊपर इंसान साबर कर रहे, तो यह सब्र का दूसरा मकाम है। मिसाल के तौर पर एक शख्स हर महीने में अपनी कुल इनकम से 100 रुपया तो अब एक महीने देते हैं, तो दूसरे महीने भी दे, तीसरे भी दे, चौथे भी दे, पांचवे भी दे, हमेशा वो देता रहे, ये सब। और एक बंदा अपनी कुल इनकम से 1000 रुपया एक दफा जिंदगी में दे दिया, फिर कभी मौका मिला था तो फिर किसी को दे दिया, फिर कभी कहीं मौका मिला तो फिर किसी को कुछ दे दिए, यह सब्र नहीं है। सब्र इस्तिकामत इख्तियार करने का नाम है। कभी कभी इस्तिकामत, नेकी के काम पे इस्तिकामत इख्तियार करना, ये सब्र की दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म सब्र की गुनाहगारों का है, दिल चाहता है कि गुनाह करूं, कोई रोकने वाला।
इंसान गुनाह करने से बच जाए कि मुझे मेरा रब देख रहा है, यह समय की तीसरी किस्म है। मैं तीनों को दोबारा बोल रहा हूं, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, नुकसान, हादसे, हौसला, होश, हवास, हिम्मत के साथ बर्दाश्त करने का नाम सबर। नेकी पे इस्तेकामत अख्तियार करने का नाम सबर। गुनाह से रुक जाने का नाम सबर। ये तीन किस्में हैं सबर। सबर ने हमारी इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी पर असर, बड़े असर हैं। इंफरादी जिंदगी के अखबार से हम कहते हैं कि सबर जो है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की पहली पहली सीढ़ी है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुनियाद है, बेस फॉर्म की हैसियत रखता है। जिस इंसान के अंदर सब्र है, जो किसी को बर्दाश्त कर सकता है, जो हर मामले में होश और आवाज को कायम कर सकता है, वो ये शख्स जहांगीर होता है। वो ये शख्स दिलों को भी फतह कर सकता है, कौमों को भी फतह कर सकता है। और जो हर वक्त जज्बात के धारे में बह जाए, वो अपनी बीवी को नहीं मना सकता, वो अपने खानदान को नहीं मना सकती। जो बंदा होश और आवाज कायम ना रख सके, वो अपने बच्चों के साथ भी गुजारा नहीं कर सकता है। और जो शख्स सबर का हौसला रखता है, सबर का मरका रखता है, वो बंदा कौमों को भी फतह कर सकते हैं और दिलों को भी। इज्तिमाई जिंदगी में जो हमें सब्र करनी है, आपको तकलीफों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, सख्त हालात को फेस कर जाते हैं, आदमी दुनिया में उनका नाम होता है, उनकी इज्जत होती है। और जो लोग मुश्किल हालात को इज्तिमाई सतह पर फेस न कर सके, उनकी आदमी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं होती है, आईनी जिंदगी में भी उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। मिसाल के तौर पर बादशाह बहुत ज्यादा हुई, सैलाब आ गया, मुल्क के तीन चार बड़े शहरों में सैलाब है, नुकसान हुआ, और हम उसकी अफरा तफरी शुरू कर दें, वाहियात शुरू कर दें, और कभी हुकूमतों पे तनकीद, कभी लोगों पे तनकीद, कभी आजाब आ गए, फलाह हो गए, फलाह हो गए। इस तरह के काम, इस तरह की बातें करने से, इस तरह होश आवास हो जाने से कौमी जिंदगी को नुकसान होता है। कौमी जिंदगी को फायदा तब होता है जब आफतें, मुसीबतें, तकलीफें आ जाए कुछ जगहों में या सब लोगों पर, तो सब्र के साथ पूरी कौम उसका उजहारा करे और कहे कि हमने इससे प्रेरित करना है, हमने इससे निकलना है, हमने इसको फेस करना है। हम सब ने हकूमत ने, रियाया ने, नवाब ने, खवास ने, छोटों ने, बड़ों ने मिल के इसको आगे ले जाना है। तो ये सब्र इंसान की इज्तिमाई जिंदगी पर बहुत मुरतब करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ ईमान, अल्लाह से मदद मांगते हो, नमाज पढ़ के और सब्र करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस्सबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। इन्नल्लाह मअस्सबिरीन, अल्लाह ताला साबित कदम रहने वालों के साथ है। अल्लाह ताला साबित कदम रहने वालों की मदद करता है, अल्लाह ताला साबित कदम रहने वालों के सब्र करने वालों की मुआवनत करता है। इन्नल्लाह मअस्सबिरीन। हम आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र का लुगवी माना होता है एहसान का एतराफ करना, किसी की नेकी को तस्लीम करना, किसी के ताअज्जुब को दिलो जान से मान लेना और उसके एहसान का इजहार कर देना शुक्र है। इस बेटे से मैंने कलम ले लिया, बेटे मुझे कलम दे दो लिखने के लिए, इसने मुझे कलम दे दिया तो ये नहीं है, मैं इसे थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ, जजाकल्ला कहता हूँ, तो ये मेरे शुक्र है, मैंने नहीं कहता। इंसान को सबसे ज्यादा एहसान अल्लाह ताला का, लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो सबसे पहले अल्लाह के एहसान का एहतराम करे। और अल्लाह ताला के एहसान के एहतराम करने का नाम ही शुक्र है। शुक्र के तरीके तीन तरीके हैं। शुक्र नंबर एक, इंसान जबान से शुक्र, जबान से शुक्र, याद रखने का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये
अल्हम्दुलिल्लाह के हवाले में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वहब ली, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जो जिस अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया, मुझे वो दिया, मुझे वो दिया, मुझे वो दिया, मुझे फलां दिया, फलां दिया। एक शुक्र का तरीका। शुक्र का दूसरा तरीका यह है कि इंसान नेमत को सही इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजें दी हुई, मिसाल के तौर पर आंखें हैं, पांव हैं, कान हैं, ज़बान है, नाक है, जिस्म के अंदर बहुत सारी कुव्वतें हैं, इन सब को इंसान सही तरीके से इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल ना करें। इस हाथ से आप किसी को अस्सलाम वालेकुम करके मुसाफा भी करते हैं, और इसी हाथ से आप किसी को थप्पड़ लगा के उसके दिल को रंजीदा भी करते हैं। लिहाजा थप्पड़ लगा के दूसरे के दिल को रंजीदा करना यह गलत है, गलत इस्तेमाल है। मुसाफा कर दिया दूसरे को, दूसरे की मदद कर दी इस हाथ से, तो ये क्या है, ये सही इस्तेमाल है, नेमत का सही इस्तेमाल। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अगर इस पानी को हम जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो ये शुक्र है, और अगर हम उसको जाय करते हैं पानी को तो ये शुक्र नहीं है। शुक्र के भाई इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी का हिस्सा। अच्छा, शुक्र का तीसरा, पहला तरीका यह कि ज़रात से शुक्र अदा करें। शुक्र का दूसरा तरीका यह कि नेमत को सही इस्तेमाल करें। और शुक्र का तीसरा तरीका यह है कि इंसान अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हाकिमियत आला को हमेशा हमेशा से जागुजी करे, रासख करे, और अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं इन नेमतों को आगे मजीद फैलाने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत और भी ज्यादा देगा। शुक्र का भारी तुम्हारी जिंदगी पे असर, इंफरादी जिंदगी पे असर, तो यही इंसान खुश रहेगा। और जो इंसान खुश रहना सीख जाए, जो इंसान खुश रह सकता है वो बीमार कभी नहीं हो रहा है। ये बहुत सारी बीमारियां टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से, डिप्रेशन परेशानी की वजह से, और जिस बंदे के अंदर जो अपने हालात में जीने जाता है, अल्लाह का शुक्र करना जानता है, उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आता, उसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता करता है, उसके जिस्म में अल्लाह बरकत अता करता है, वो एक कामयाब इंसान होता है, वो एक खूबसूरत इंसान होता है, वो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी होती है। और अगर पूरी कौम शुक्र करने वाली हो, सारे लोग खुशहाल, खुशियां बांटने वाले, खुशियां तकसीम करने वाले, खुशियां महसूस करने वाले, खुशियां बांटने वाले हो गए, तो कौम, सारी कौम, सारा माशरा, सारे माशरा एक अच्छा माशरा होगा, अच्छे लोग होंगे। बंदा घर से बाहर निकलता है, एक परेशान से मिलता है, दूसरे बीमार से मिलता है, तीसरे मजदूर से मिलता है, चौथे मजदूर से मिलता है, पांचवें को जमाने के हालात में सताया हुआ, छठी जगह पे कोई बेटा बाप से नाराज है, सातवीं जगह के ऊपर कोई बाप बेटे से नाराज है, खुशहाल बंदा भी घर से निकले ना, वापस परेशान क्यों आ जाता है, वापस मरीज बन के आ जाता है। और अगर सारे लोग इज्तिमाई सुन्नत का शुक्र करने वाले, एक दूसरे का एहसास करने वाले, अल्लाह की नेमतों को फैलाने वाले, अल्लाह की नेमतों को सही इस्तेमाल करने वाले हों, तो इस माशरे में लोग सारे खुशहाल होंगे। जब खुशहाल होंगे तो एक खुश इंसान खुश से मिलकर खुश ही होगा, और एक खुश इंसान गमगीन से मिलकर गमगीन ही होगा। लिहाजा खुश रहिए, खुशियां मानिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, नेमतों को सही इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह की नेमतों को आगे फैलाइए, अल्लाह की महबूब के लिए नफा दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपसे राजी, आप खुद भी अपने आप से मोमिन, आपका ज़मीर भी आपको मुलाकात नहीं करेगा, तो इस पर अमल भी करना है। सवाल नंबर एक होमवर्क है, इस्लामी तालिबान में सब्र की तालीम क्यों दी? इस्लामी तालिबान ने सब्र की तालीम
क्यों दी गई है? यह सवाल है होमवर्क। सवाल नंबर दो, कुरान सुन्नत में शुरू की अहमियत क्या है? सवाल नंबर दो, कुरान सुन्नत में शुरू की अहमियत क्या है? आपने इसको नोट कर लेना है अपने नोटबुक पर, हमारे